मैं किरण, वेलकम टू रॉयल इंडियन किचन। बाजार जैसा न्यूट्रेला घर पर बनाएंगे, इसका टेस्ट बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। चॉकलेट नहीं, फ्लेवर इज जस्ट सो ऑसम। मैंने सोचा क्यों ना इसे घर पर बनाया जाए विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव केमिकल्स एट एंड हेल्थी फैट्स। बच्चों को तो ये बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। बस इसे हम 10 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। जी हाँ, आज मैं आपके साथ बच्चों का फेवरेट बादाम न्यूट्रेला बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मेरी वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए। अभी तक आपने रॉयल इंडियन किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बगल से जो बेल आइकन का बटन है उसे दबाना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। न्यूट्रेला बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ने वाली है। सबसे पहले हमने 1 कप बादाम लिए हैं, ये हमने वनीला का एसेंस लिया है, और कोको पाउडर, आप किसी भी कंपनी का कोको पाउडर ले सकते हैं, और पिसी हुई चीनी, ये 3 टेबल स्पून। आप बटर की जगह ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम बादाम को रोस्ट करने के लिए रख देते हैं। गैस को ऑन करके हमने एक पैन रख दिया है, ये बादाम है इसमें डाल देते हैं। इन्हें हमें हल्का हल्का सा रोस्ट करना है। हम बादाम के साथ न्यूट्रेला बना रहे हैं जो बच्चों को काफी पसंद आता है। बादाम को रोस्ट करने के लिए हमें 2-3 मिनट का समय लगा है। देखिए बादाम अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। हम गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं और बादाम को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जैसे ही बादाम ठंडे होंगे उसके बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। ये सारे बादाम ठंडे हो चुके हैं, ये उसी कप में निकाले हैं जिससे हमने मेजरमेंट किया था। हम इसे ग्राइंडर जार में डालकर एक फाइन पाउडर बना लेते हैं। ये हमने एक फाइन पाउडर बना दिया है। फ्रेंड्स, जब भी आप इसको ग्राइंडर जार में ग्राइंड करें तो थोड़ा रुक रुक के करें, एकदम से ना चलाएं। मिक्सर जार आपका खराब भी हो सकता है, इसलिए रुक रुक के इसको आपको चलाना है। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून कोको पाउडर डाल देते हैं। आप चाहे तो कोको पाउडर की जगह मेल्टेड चॉकलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि डेयरी मिल्क या और कोई चॉकलेट। 3 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी, 1 टीस्पून के लगभग वनीला एसेंस लिया है, यानी कि 8-10 ड्रॉप्स, इसे डाल देते हैं। ये बटर जिसे हमने रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ था तो ये मेल्ट हो गया है, इसे भी हम डाल देते हैं। आप चाहे तो बटर की जगह ऑलिव ऑयल या कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। हमने बादाम के पाउडर में सारी चीजें ऐड कर ली हैं। अब हम इसे फिर से ग्राइंड करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कंसिस्टेंसी बनी है। अगर आपको लगता है कि आपका जो बैटर है जो थोड़ा थिक हो गया है तो इसमें हम 4-5 टेबल स्पून दूध डालकर इसका पेस्ट बना सकते हैं। इसमें हमने ओनली चीनी का पाउडर और बटर मिलाया है जिसकी वजह से इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी बनी है। इसे हम एक साफ और ड्राई कंटेनर में भरकर महीने भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपने इसमें दूध मिला दिया तो इसे हम फ्रिज में 2-3 दिन के लिए ही स्टोर कर सकते हैं। इसमें बटर और शुगर की मात्रा आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप इसमें दूध डालते हैं तो आपको इसे 2-3 दिन के लिए 2-3 दिन में ही कंज्यूम करना पड़ेगा, या फ्रिज में 6-8 दिन तक आप स्टोर करके रख सकते हैं। इसे आप किसी भी केक, टोस्ट या डेजर्ट के साथ ट्राई कर सकते हैं।
या ब्रेड में लगाकर भी इसे आप खा सकते हैं। इसे हम एक साफ कंटेनर या जार में भरकर रख दें, इसे हम महीने भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। ये एकदम परफेक्ट हमारा न्यूट्रीला बनकर रेडी हो चुका है। वैसे ये बच्चों को खाने में काफी टेस्टी लगता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है और ये काफी हेल्दी भी होता है। ये बादाम न्यूट्रीला हमने एक कंटेनर में भर लिया है। अगर आपको मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।